अगर किसी ग्राहक के साथ कोई दुकानदार या कंपनी फर्जीवाड़ा करती है तो ग्राहक कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है, लेकिन कई लोग ये जानने के बाद भी कंज्यूमर कोर्ट नहीं जा पाते हैं और चुपचाप कंपनियों के फ्रॉड को सहते रहते हैं। दरअसल इन लोगों को मालूम ही नहीं होता कि कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने की प्रक्रिया क्या है। कोई कंपनी आपके साथ फर्जीवाड़ा करे और आप चुपचाप देखते रह जाएं, ऐसा ना हो इसके लिए हम आपको कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। सबसे पहले जानिए कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कौन करता है। कंज्यूमर कोर्ट में कोई भी उपभोक्ता संगठन जो पंजीकृत है और कोई भी उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकता है। अगर धोखा हो जाए तो शिकायत कहाँ करें? धोखा होने पर किसी भी प्रकार की शिकायत करने का स्थान हर्जाने के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगर हर्जाने की राशि 20 लाख रुपए से कम है तो जिला फोरम में शिकायत की जा सकती है। अगर यह राशि 20 लाख रुपए से ज्यादा और 1 करोड़ रुपए से कम है तो राज्य आयोग के समक्ष शिकायत की जाती है, और 1 करोड़ रुपए से अधिक हर्जाना राशि पाने के लिए राष्ट्रीय आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज करानी होती है। कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत कैसे करें? शिकायत के लिए उपभोक्ता एक कागज पर अपनी शिकायत को सिलसिलेवार लिखे और जरूरी पेपर उसके साथ लगाए। शिकायत में आपको लिखना होता है कि ये सब कहाँ हुआ, कब हुआ, और संबंधित दुकानदारों व्यक्तियों के नाम भी इसमें लिखे जाते हैं, और शिकायत में लिखे गए आरोपों के समर्थन में दस्तावेज भी लगाए जाते हैं। शिकायत के साथ आरोपों को लेकर सभी दस्तावेज भी लगाएं और साथ में आपकी हानि को लेकर भी दस्तावेज भी प्रस्तुत करें। साथ ही आप उस राहत का भी विवरण दें जो कि आप पाना चाहते हैं। शिकायत में शिकायतकर्ताओं और विपरीत पार्टी के नाम का वितरण और पता आदि भी लिखना होता है। शिकायत दर्ज कराने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। कोर्ट इसके लिए नाम मात्र की फीस लेती है। कंज्यूमर कोर्ट में जल्द से जल्द शिकायत का निपटारा कर दिया जाता है, साथ ही ग्राहक को हानि का भुगतान कर दिया जाता है। उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की तरफ से एक नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जो BSNL और MTNL उपभोक्ताओं के लिए है। ये नंबर है 1800114000। इस नंबर की मदद से कोई भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो कोई भी दुकानदार या कंपनी आपके साथ धोखाधड़ी करती है तो तुरंत उपभोक्ता अदालत का दरवाजा खटखटाए। इसके साथ ही किसी भी फर्जीवाड़े से बचने के लिए बिल लेना कभी ना भूलें। आपको हमारी दी हुई ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश और दुनिया की हर बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।